नींबू, लाइम या लेमन, इसको आप जब भी अपने गार्डन में लगाते हैं उसके बाद कई बार ऐसा हो जाता है कि पौधे हमारे पास इतने बचे जाते हैं कि आप सोचते हैं कि इसका हम कुछ यूज़ कर लें। तो आपके गमलों में चाहे आपने बड़े पौधे आपके नींबू के हो गए हैं या आपने ग्राउंड में लगाए हुए हैं, तो उनमें से जो नींबू आपके एक्स्ट्रा बच जाते हैं घर के कंजम्पशन के बाद में, या फिर आप चाहे तो बाहर से भी ला के नींबू को आप अपने प्रिजर्व के तौर पर रख सकते हैं, जिसका सबसे कॉमन रूप होता है अचार। नींबू का अचार खट्टा भी आप बना सकते हैं, मीठा भी बना सकते हैं। तो कई तरह के नींबू के अचार में से आज हम एक अचार बनाने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले आप ये देखने जा रहे हैं कि हमने जो चीज़ें नींबू के अचार में भरनी है उसको हमने मिक्स कर लिया है। इन चीज़ों में जो मेन आइटम है आपने देखेंगे कि इसमें हमने चीनी इस्तेमाल किया, फिर हमने इसमें थोड़ा सा सादा नमक डाला, इसके बाद हमने काला नमक डाला, थोड़ा अजवाइन डाला और थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर डाला। तो नींबू की मात्रा के अनुसार, स्वाद अनुसार आप एक प्रोपोर्शन में, प्रोपोर्शन में आप इन चीज़ों को मिला के अच्छे से उनको पहले मिक्स कर लिया है। उसके बाद इसको आपने धीरे धीरे, आपने देखा कि नींबू को हमने चार के फ्रैक्शंस में हमने काट लिया, एक या क्रॉस जिसको हम बोलते हैं, आपने एक क्रॉस लगाया और उस तरीके से आपने इसको काट लिया और इनके चारों पीसेस जो हैं वो इंटैक्ट हैं, अभी जुड़े हुए हैं और उसको काटा आपने, उनको अलग नहीं करना है, ताकि उस तरीके से उसके अंदर एक अच्छी सी क्वांटिटी मात्रा में आप उसको भर सके। तो अंदाजा से एक मीडियम साइज का जो नींबू है आपका, उसके अंदर आपने एक चम्मच जो है रेगुलर टीस्पून मसाले की मात्रा लें और उसके बाद उसको उसमें भरने के बाद उसको आराम से एक दूसरे बर्तन जिसमें आप बनाने जा रहे हैं, चाहे तो वो मर्दबान हो या कोई और आपका बर्तन हो जिसमें आप उसको रख दें। तो इस तरीके से आप जितने भी नींबू चाहते हैं आपकी ज़रूरत के हिसाब से आप उसे बनाएं। और उसके बाद इस ये सारा मसाला जो है, एक बार फिर मैं रिपीट करता हूँ, जिसमें कि हमने चीनी, सादा नमक, काला नमक, अजवाइन और काली मिर्च लेकर के आलू के चार फ्रैक्शन में, नींबू को चार फ्रैक्शन में कट लगाया और उसके बाद में हमने उस मसाले को उसमें भर दिया। और इस तरीके से आपने उसको जो भी बर्तन में आप उसको रखने जा रहे हैं, मर्तबान में, किसी सिरेमिक के या फिर कांच की बोतल में, आप इसको लेकर के एक महीने तक आप इन्हें छोड़ दें और एक महीने के बाद जो है आपका यह अचार तैयार हो जाएगा। बस ध्यान एक ही रखना है कि आपने इसमें पानी तब तक ना जाए और आप इसको डिस्टर्ब ना करें। लेकिन इसके अलावा जो सबसे ज़रूरी बात हो जाती है कि आपका अचार तभी तैयार होगा जब आप इसको रेगुलर रूप से आप इसे धूप लगाएंगे। तो कम से कम अभी जैसे अब धूप खिलना शुरू हो रहा है तो आप इस तरीके से इसको रोज़ कम से कम आधा घंटा जितना हो सके अधिकतम आप इसे धूप में रखें और ढक्कन पूरा उसको अगर आप खोलना चाहते हैं तो उसके ऊपर एक कोई कपड़ा लगा दें, मसलिन क्लोथ या कोई सूती कपड़ा, ताकि उससे आर पार हो जाए, नहीं तो ढक्कन को हल्का सा, पूरा ढक्कन हटा के हल्का सा आप उसमें अच्छे से धूप लग जाए। इस तरीके से आप इसे एक महीने छोड़ देंगे तो आपका एक महीने बाद नींबू का अचार तैयार हो जाएगा। आप चाहें तो इसे खुद के लिए यूज़ करें ही करें, उसके साथ में आप अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों को गिफ्ट भी कर सकते हैं। सो हैप्पी गार्डनिंग फॉर सिट्रस प्लांट्स।